सर नमस्ते। हेलो प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। क्या पढ़े थे? नेशनल इनकम एंड वेलफेयर। क्या बोली? नेशनल इनकम एंड वेलफेयर सर।
व्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र बांटा जाता है। तीनों पर क्षेत्र को कितनी आय होती है, इसको जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। श्वेता जी सर, जरा राष्ट्रीय आय की माप, राष्ट्रीय आय की माप की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला, आय विधि अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक प्रक्षेत्र तथा तृतीयक प्रक्षेत्र में बांटा जाता है। इन तीनों प्रक्षेत्रों को कितनी आय होती है, इसी को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सर, ये कुक्कुट पालन क्या होता है? क्या है आकाश? सर, कुक्कुट पालन क्या होता है? मुर्गी का। अच्छा अच्छा वेज हो कि नॉन वेज हो आकाश? सर, नॉन वेज। नॉन वेज में क्या क्या खाते हो? सर, मुर्गा, मछली, बकरा। सर, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश? हाँ, तो बीच वाला, बीच वाला क्या है? यस सर, बोले हो सर, बीच में क्या बोले हो? चिकन सर, चिकन। चिकन का ही बिहार सरकार का ऑफिस लिखा रहेगा, कुक्कुट पालन। ओके सर, ओके। और दूसरा कोई मांस नहीं खाते हो? नहीं सर। हिरन का? सर, कभी नहीं खाया सर। सलमान खाया था एक बार। चला गया छोटा। सर, राजस्थान में जेल जाना पड़ता। तो प्राथमिक प्रक्षेत्र में
कृषि हुआ सबसे मुख्य, और इस सब सब को कहा जाता है अलाइड अलाइड सर्विसेस। तो कुटकुट पालन माने मुर्गी, कुट मतलब निकलो मुर्गी, मुर्गी पालन, मवेशी पालन में गाय हुआ, बकरी हुआ, मत्स्य पालन, जंगल बोलो या वन बोलो, वन के उत्पाद आदि। सभी उत्पादन की मात्रा को खुदरा में परिवर्तित किया जाता है। एक वर्ष में उत्पादन में उत्पादन मात्रा को कुल उत्पादन में परिवर्तित एक वर्ष के कुल उत्पादन को के बाद राष्ट्रीय आय जी सर। दूसरा प्रोडक्शन मेथड या उत्पादन विधि। प्राथमिक प्रक्षेत्र में कृषि, कुटकुट पालन या मुर्गी पालन, मवेशी पालन, मत्स्य पालन, वन के उत्पाद आदि सभी उत्पादन की मात्रा को मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है तथा एक वर्ष के कुल उत्पादन को मुद्रा में मापने के बाद इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कहीं
देश के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए क्या क्या है सर भी कहते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है इक्वल होता है इनकम। वन मैन इनकम इज अनदर मैन एक्सपेंडिचर। क्या सही हम सारे का एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे वो जो हो जाएगा राष्ट्रीय आय के बराबर, और उसी को हम वस्तु में कन्वर्ट करेंगे। आरवी राव के आरवी राव ने
मिश्रित विधि को स्थापित किया। राव महोदय के अनुसार राव महोदय के अनुसार इस क्षेत्र में उत्पादन विधि राष्ट्रीय आय गणना जाती है। योग एवं व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में आय विधि राष्ट्रीय आय की गणना की जानी चाहिए। विधि को राष्ट्रीय आय तो
में फोर सेक्टर वाला जो इक्वेशन है उसे मापिएगा राष्ट्रीय आय मापने की चार परसेंट चार परिक्षेत्र में कौन कौन रहता है घरेलू परिक्षेत्र व्यवसाय परिक्षेत्र घरेलू परिक्षेत्र व्यवसाय परिक्षेत्र सरकारी परिक्षेत्र सरकारी परिक्षेत्र y बराबर y बराबर होगा b प्लस i b प्लस b r p f वही बराबर प्लस आई डी प्लस बी प्लस x minus m बराबर होता है अगर आप याद है तो चारों सूत्र को आप दे सकते हैं एक सेक्टर दो सेक्टर तीन सेक्टर करके दो सेक्टर तीन सेक्टर चार सेक्टर करके आप डाल सकते हैं। पर उतना नहीं डालना चाहते हैं
सर सर ये भी राष्ट्रीय आय मापने की विधि है और वो भी सर राष्ट्रीय आय मापने का था, जैसे कि उत्पाद विधि आय विधि, तो सर दोनों का आधार तो अलग अलग होगा ना? आधार सर किस आधार पे सर इसको बांटा गया है और उसको किस आधार पे, कुछ ऐसा है क्या? क्या फिर से बोलो, तुम जोर से बोलो ना, क्या बोलो? सर राष्ट्रीय आय जैसे है ना मापने की विधि, तो पहले जो हम लोग देखे हैं सर आय विधि था, उत्पाद विधि था और व्यय विधि था, और ये जो है घरेलू व्यवसाय सरकारी और बाह्य, तीन दोनों का आधार जो है सर कुछ होगा ना, कि मतलब सर ऐसे ही है? एक साल का करेंट ईयर का ना? जी सर, वर्तमान वर्ष का राष्ट्रीय आय वाई बराबर हो गया वर्तमान वर्ष, पीछे का थोड़ी ना फर्क है, वर्तमान वर्ष आय, वर्तमान वर्ष आय या राष्ट्रीय आय, पास्ट का ऑलरेडी निकला रहता है, निकालने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर का निकालना नहीं है, वर्तमान का बात है। क्लियर हुआ बात? और सर इससे पहले जो चार जो पॉइंट लिखवाए थे, मतलब तीन सर, आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि, हाँ तो थ्योरेटिकल हो गया। अच्छा, और ये सर प्रैक्टिकली? हाँ ये हो गया मैथमेटिकल। जी ठीक है, थैंक यू सर। और वहाँ आय विधि उत्पाद विधि दोनों को, व्यय विधि तीन वो है, और चौथा जो मिक्स्ड हो गया, चौथा जो है वी के आर वी राव का है कि दोनों अलग अलग निकालने में दिक्कत होगी, उत्तर सबका एक बराबर होना चाहिए, उस पे जो है किसान बताएगा ही नहीं कि कितना हुआ एग्जैक्ट, लेकिन वो अगर उत्पादन विधि में होगा तो आसानी से आप आंकड़ा पा सकते हैं। इसलिए अगर सब चीज सही है आय विधि नंबर वन, क्योंकि आय छिपाने का, समझिए अंजलि? यस सर। आदमी क्या छिपाता है? इनकम अपना सर, सैलरी। बेटी का शादी करना होगा तो इनकम कम बताए, बेटा का शादी होगा तो बढ़ा चढ़ा के सब खेत कहेगा हमारा ही, जहाँ तक फसल जा रहा है सब खेत मेरा है। जी, आदमी का जो नियत होता है, फिर इनकम जो है वो एक नंबर और दो नंबर भारतवर्ष में या हर देश में, एक नंबर हो गया जो आप कह रहे हैं और दो नंबर हो गया कि जो आपके बाथरूम के दीवार में रखा हुआ। रेड सिनेमा देखी हो? नहीं सर। हाँ तो देख लेना, कहीं भी पढ़ाता रहता है। रेड में सिनेमा में है कि छत में, दीवार में, खम्मा में, सब में रुपया जो है सोना का सिक्का है। सर एक साउथ मूवी है, साउथ मूवी है, साउथ मूवी में है। जी सर। हाँ तो इसी का नकल किया हो, साउथ वाला जो है ना, जितना है नॉर्थ का सिनेमा होता है उसी का डुप्लीकेट रहता है, नाम भी वही रहता है, खाली हीरो बदल जाएगा, हीरोइन, कुछ हीरो भी उधर चला गया है, कुछ हीरोइन भी चली। साउथ वाला धीरे धीरे बहुत मजबूत हो रहा है, इतना मारपीट करता है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए आदमी से उस तरह का मारपीट संभव नहीं है, आदमी का तो हड्डी रहता है, एक आदमी मान लीजिए 20 आदमी को मार के गिरा, हाथ में कहीं छोटो नहीं था, तब थोड़ा लगता है काल्पनिक। आय विधि का प्रयोग करेंगे इंडस्ट्री में, उत्पादन विधि का प्रयोग करेंगे एग्रीकल्चर, एक्सपेंडिचर विधि का खर्च करेंगे पूरे देश में, पूरे देश में लोग खर्च करता है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जो है रिजल्ट नहीं आया।
सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग को एक से अधिक विधि का प्रयोग करें। कृषि क्षेत्र की अलग विधि रखे, उत्पाद क्षेत्र के लिए अलग, और व्यय जो है वो पूरे अर्थव्यवस्था के लिए, और मैथमेटिकली जो है नेशनल इनकम को मापने का एक विधि बताए, फोर्थ सेक्टर में वहां बताए हुए सेक्टर बताए हुए हैं ना, इसी का हिस्सा। यस सर। तो कुछ लड़का फूड सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर्थ सेक्टर तीनों का अलग अलग करके मेजरमेंट में डाल देता है, तो उसको नंबर बढ़ जाता है। ताकि इसमें बहुत ज्यादा लिखने का तो है नहीं, क्वालिटी भी बढ़ गया और ये हो गया। अगर पूछ रहा है नेशनल इनकम आइडेंटिटी तब तो लिखना ही लिखना है, अगर नहीं भी पूछ रहा है, मेजरमेंट पूछ रहा है, उसके लास्ट में भी आप इसी आइडेंटिटी को दे सकते हैं। हर आइडेंटिटी जो है उसका एक ही क्वेश्चन नेशनल इनकम है, एक जो है स्पेंडिंग शेड्यूल है ना, स्पेंडिंग शेड्यूल लिखा हुआ है ना, क्या है देखोगे, लिखे थे उसमें। यस सर, लिखा है। हाँ, व्यय योग्य है। तो व्यय योग्य है कौन में थी, हो गया एक्सपेंडिचर में था। सारा मैथमेटिकल इक्वेशन जो प्रैक्टिस किए हुआ है वो एक्सपेंडिचर मेथड में डालते हैं। समझी श्वेता कुमारी? जी सर। सारा बात कहाँ डलाएगा, स्पेंडिंग माने एक्सपेंडिचर। जी। तो एक मेथड है ना एक्सपेंडिचर मेथड। जी सर। नेशनल इनकम मेजरमेंट का तीसरा नंबर एक्सपेंडिचर मेथड, पहला नंबर है इनकम मेथड, दूसरा नंबर है प्रोडक्शन मेथड, तीसरा नंबर एक्सपेंडिचर मेथड। कितना इक्वेशन है, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर, सारे को आप किसमें डाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर में सर, एक्सपेंडिचर सेक्टर में। जानते हुए भी बहुत लड़का लिख नहीं पाता है, क्योंकि इसलिए हम उसमें साइड में लिख दिए हैं व्यय योग्य है। तो हर हाल में ये उपयोग होगा ही, कहने का ये मतलब, नेशनल इनकम आइडेंटिटी अगर पूछ दिया तब तो आपको लिखना ही है, अगर नहीं भी पूछा तो ये पूछा हुआ बात, अब पूछ दिया राष्ट्रीय आय की माप कैसे होती है, एक्सपेंडिचर मेथड में सारा सूत्र डाल। ऐसा जो लड़का किया या लड़की की तो उसको 80% नंबर उठा लिया, सबका कॉपी सादा सादा रहेगा। अब तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड में टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर का एक प्रश्न नजर आएगा, नेचुरल वे में तुमको नंबर जो है और उससे अधिक आएगा। बात फॉलो की अंजलि? जी सर। सर हम एनसीईआरटी में सर पीछे शब्दावली में देखे थे। हाँ। लेकिन वो समझ से सर बाहर था, इसलिए हम उसको नोट भी नहीं कर पाए। हाँ देखिए थी सर, यही आय विधि है, उत्पादन विधि है और व्यय विधि है, थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा था। किसका था, वीडियो था? नहीं सर, एनसीईआरटी जो है ना 11th 12th का बुक में, उसमें पीछे का जो होता है शब्दावली 12th क्लास समझ में तुमको आ गया ना? ये सर यहाँ पे क्लियर हो गया सर। हाँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी का आदमी जो है ना ब्रिलियंट होता है। सर ये जो नेशनल इनकम आइडेंटिटी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर जैसे कोई इक्वेशन आती है आई इज इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सर ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको? कौन
सर ये जैसे आपने यहाँ बोर्ड पर लिखा है अभी x माइनस एम इज इक्वल टू आर पी एफ, ये सर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन भी होती है ये इक्वेशन लिखे है सो यस सर x माइनस एम का ही तीन लेटर दिया है सैपिरो सैपिरो इकोनॉमिस्ट है लिख लो सैपिरो ठीक है सर सैपिरो इकोनॉमिस्ट कहता है कि अगर आंकड़ा आपको नहीं मिल रहा है आयात निर्यात का तो मिल ही जाएगा मोटा मोटा यस सर उसी से निकाल लीजिए अगर वहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम है कि प्राइवेट पेमेंट अलग है गवर्नमेंट पेमेंट अलग है इन्वेस्टमेंट है तो आप कैसे बहुत चीज में कंप्यूटर से इस्तेमाल हो रहा है तो टेक्निक बदल गई इनकम टैक्स का रिटर्न भरने का सिस्टम बदला तो एक साल लग गया उसको सिस्टम को चालू कर यस सर एक साल दो साल लग राहुल तुम सेंटर उंटर पर आ क्या तुम्हारा हाँ सर बीपीएससी का मधेपुरा यस सर कार्य पूरा बढ़ा के जाओगे नहीं सर का है? दाढ़ी बनाने से क्या होगा समझेगा कि खनगर है पावरफुल आदमी है वर्दी सिलवा लेंगे सर किसका वर्दी यार सर वर्दी सिलवा के चले जाएंगे परीक्षा देने जाना भी बहुत ही कष्टदायक हो गया है लड़कों के लिए सर है? लड़कों के लिए सिर्फ लड़कों के लड़की के लिए भी जाना आना एक साथ उतना आदमी का दे दिया लड़कियों का सर होम डिस्ट्रिक्ट देता है ना लड़की का होम डिस्ट्रिक्ट देता है यस सर लड़का को कोई फेंक देगा कहीं भी फेंक देता है एक तो लड़का ऊपर से जनरल अथवा खोज लोगे कोई आदमी परिचित होगा तो नहीं अब तो पता चल गया सेंटर तो चले जाएंगे यादव हाई स्कूल में पढ़ाया यस सर इसलिए कहा कि दारूड़ी बढ़ा कर रखो वैसा कुछ नहीं है सर वही है बिहार है ना भाई पावरफुल है अभी देख रहे हो कोचा में हरा दिया है बीजेपी पार्टी हाँ सर कुछ भुगता है कुछ बाकी है अभी एक दिन पहले सब मिलके भोज किया है अब पहले तो महाराष्ट्र में सेंटर पड़ता था कितना लड़का पिटा के लौटता था किसी कबार पड़ने वहां भी बहुत बदमाशी करता है बीपीएससी का सेंटर सर वो पड़ा था बैंक उनका पड़ता है ओ सबको लगता है कि बिहारी सब तेज होता है और आके सब सीट हड़प लेते हैं हड़प क्या लेता परीक्षा हो रहा है मेरी